Hello everybody, welcome to this video lecture on software testing. The third technique is path based integration. हमने अभी तक पढ़ा decomposition based integration, फिर हमने पढ़ा call graph based integration और अब हम पढ़ रहे हैं path based integration. Path based integration क्या करता है? The basic idea is to focus on interactions among system units rather than merely to test interfaces among separately developed tested units. सबसे पहले तो ये करता है कि आइडिया बदल देता है. आइडिया किस तरह बदल देता है? वो कहता है जी अभी तक आप ये कर रहे थे कि एक कोड एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करा रहे हो, तो जी ये दो ग्राफ है, ये दो नोड्स हैं, कोड एक कोड और दूसरा कोड, ये दो नोड्स हैं. अब वो कह रहा है इस तरह नहीं सोचना, डिफरेंट तरीके से सोचना है. ठीक है, कैसे सोचना है? वो कहता है जी पूरा एक मॉड्यूल हो, और मॉड्यूल का मतलब है कि सिमिलर कोड जो कि दूसरे सिमिलर कोड के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो ये दो मॉड्यूल्स हो जाएंगे. अब वो कोड एक फंक्शन भी हो सकता है, दो फंक्शन भी हो सकता है, चार फंक्शन भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पाथ बेस्ड इंटीग्रेशन वी नीड टू रिफाइन सम ऑफ द प्रोग्राम ग्राफ कॉन्सेप्ट्स. सबसे पहले सोर्स नोड क्या है प्रोग्राम पाथ बेस्ड इंटीग्रेशन में? अ सोर्स नोड इज अ प्रोग्राम, अ सोर्स नोड ऑफ अ प्रोग्राम इज अ स्टेटमेंट फ्रैगमेंट एट विच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस और रिज्यूम्स, उसको हम कहते हैं सोर्स नोड. The first executable statement in the unit is clearly the source code. Source node also occurs immediately after nodes that transfer control to other units. जब आपके पास दूसरे यूनिट पर ट्रांसफर होगा. A sync node is a unit. स्टेटमेंट फ्रेगमेंट एट विच प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनेट. सिंक नोड हुआ है जहाँ पर प्रोग्राम खत्म होता है. द फाइनल एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम इज क्लियरली अ सिंक नोड. सो आर स्टेटमेंट्स दैट ट्रांसफर कंट्रोल टू अदर यूनिट्स. सिंक नोड जो है वो अगले यूनिट को कंट्रोल ट्रांसफर करते हैं, यानी कि वो अगले यूनिट के सोर्स नोड की तरफ ट्रांसफर करते हैं. मॉड्यूल एग्जीक्यूशन, द मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट बिगिंस विद अ सोर्स नोड एंड एंड्स विद अ सिंक नोड. मॉड्यूल एग्जीक्यूशन सोर्स नोड से सिंक नोड की तरफ अगर आपका पाथ चला गया विद नो इंटरवीनिंग सिंक नोड, बीच में और कोई सिंक नोड ना हो. द फैक्ट ऑफ द डेफिनेशन thus far is that program graphs now have multiple source and multiple sync nodes. ठीक है, this would greatly increase the complexity of unit testing, but integration testing presumes unit testing is complete. अगर ये आप unit testing में कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा problem होती है, लेकिन अगर आप integration testing पर पहुँच गए हैं इसका मतलब है कि आप unit testing कर चुके हैं, you are moved on to the next stage. Message क्या है? A message is a programming language mechanism by which one unit transfers control to another unit and acquires response from the other unit. यानी कि आप वैल्यू भेज रहे हैं, वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, तो वो मैसेज है. डिपेंडिंग ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैसेजेस कैन बी इंटरप्रेटेड एज सब रूटीन इन्वोकेशंस प्रोसीजर कॉल्स फंक्शन रेफरेंसेस द यूजुअल मैसेज इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज. यानी कि आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं या आप जो है वो वैल्यू पास कर रहे हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैसेज के अंदर आ सकती हैं. वी फॉलो द कन्वेंशन दैट यूनिट दैट द यूनिट दैट रिसीव्स अ मैसेज मैसेज डेस्टिनेशन ऑलवेज इवेंचुअली रिटर्न्स कंट्रोल टू द मैसेज सोर्स. मैसेजेस कैन पास डाटा टू अदर यूनिट्स. मैसेज हुए जो जो डाटा को टू एंड फ्रॉम द मॉड्यूल्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. एमएम पाथ क्या आता है? एन एमएम पाथ इज एन इंटरलीव्ड सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ्स एंड मैसेजेस. अब हमने पता लग गया सिंक नोड क्या है, सोर्स नोड क्या है, पाथ क्या है, ठीक है, मैसेज क्या है. अब उससे निकलता है एमएम पाथ. ये बेसिक आइडिया जो एमएम पाथ का है, ये हमें जो है वो जॉर्गेसन ने 1985 में दिया था, और जॉर्गेसन एंड एरिक्सन ने 1994 में इसको रिफाइन किया था. क्या है जी? इज दैट वी कैन नाउ डिस्क्राइब सीक्वेंसेस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ्स दैट इंक्लूड ट्रांसफर्स ऑफ कंट्रोल अमंग सेपरेट यूनिट्स. यानी कि आपके पास अब एक फंक्शन एक मॉड्यूल नहीं है, बल्कि तमाम फंक्शन जो आपस में रिलेटेड हैं वो तमाम फंक्शन एक मॉड्यूल हैं. ठीक है, इन ट्रेडिशनल सोर्स एम एम इज अंडरस्टूड एज मॉड्यूल मैसेज. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इट इज क्लियरर टू इंटरप्रेट एम एम एज मेथड मैसेज. तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बात करें तो आप मेथड मैसेज बोलेंगे, और अगर आप सिक्वेंशियल लैंग्वेज में बात करें तो मॉड्यूल मैसेज बोलेंगे. दीज ट्रांसफर बाय मैसेजेस देयरफॉर एम एम पाथ्स ऑलवेज रिप्रेजेंट फीजिबल एग्जीक्यूशन पाथ्स एंड दीज पाथ्स क्रॉस यूनिट बाउंड्रीज, क्योंकि वो यूनिट टेस्टिंग के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही है. गिवन अ सेट ऑफ यूनिट्स देयर एम एम पाथ ग्राफ इज द डायरेक्टेड ग्राफ इन विच द नोड्स आर मॉड्यूल एग्जीक्यूशन पाथ्स एंड एजेस कॉरेस्पॉन्ड टू मैसेजेस रिटर्न्स मैसेज एंड रिटर्न्स फ्रॉम वन यूनिट टू द अदर. ठीक है, अब ये देखें, जब हम बात करते हैं पाथ बेस्ड इंटीग्रेशन की तो ये पूरे को मॉड्यूल ए कहा जा रहा है.
अब इस पूरा जो कोड है, इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ये सारे समझे कि आपके पास कोड है, यानी कि आपके पास 8 फंक्शंस थे, 8 फंक्शंस एक ही काम कर रहे थे, रिलेटेड काम कर रहे थे, और अगर वो सही होंगे तो फिर वो दूसरे फंक्शन को मैसेज पास करेंगे। तो क्योंकि सिमिलर थे तो इन सबको हमने मॉड्यूल ए कह दिया, ये कहता है आपका MM path। फिर आपके पास जो दूसरा है वो क्या है, मॉड्यूल बी, B1, B2, B3, B4, B5, ये आपके पास जो 5 एग्जीक्यूशन कोड्स हैं सिमिलर हैं, इनको आपने एक मॉड्यूल में मर्ज कर दिया। और फिर मॉड्यूल सी, C1 से लेके C9 तक, ये सारे आपके सिमिलर थे तो आपने इनको एक मॉड्यूल में मर्ज कर दिया। तो ये आपके पास मॉड्यूल्स एक एक नोड्स हो गए, और फिर मैसेज पास किया, मैसेज रिटर्न किया। तो मैसेज पास कहाँ से होगा, सिंक, ये आपके पास सोर्स नोड से सिंक नोड में आएगा, और फिर ये सिंक नोड से सोर्स नोड में आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह बी से सी में जाएगा, सी से बी में आएगा। तो अगर हम इन नोड्स को करें तो ये ए बी और सी नोड्स बने थे आपके, जब ए बी सी बने थे तो ऑफकोर्स हम इनको जो है वो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, विच इज ई माइनस एन प्लस टू। यहाँ पे पी भी लिखा हुआ है, पी क्या होता है, पी इज द नंबर ऑफ स्ट्रांगली कनेक्टेड रीजन्स। जनरली जो MM path होता है वो आपका 1 के हिसाब 1 ही होगा, क्यों, मैसेजेस रिटर्न टू द सेंडिंग यूनिट्स, जहां से ओरिजिनेट होगा वहीं से वापस आएगा, तो इसलिए आपका ये एक ही रीजन कहलाता है। तो पी की वैल्यू ऑलवेज 1 ही होगी, सो वी कैन गो बैक टू आवर ओरिजिनल फॉर्मूला विच वॉज ई माइनस एन प्लस टू, जो कि आपकी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी में यूज होता है। तो आपके पास MM path के इस ग्राफ के साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बनेगी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके पास नोड्स हैं। MM path के हिसाब से हम नोड्स अब बना रहे हैं ना आप, तो ए बी सी 3 नोड्स हैं आपके पास, और उनके एजेस है 4, तो 4 माइनस 3 प्लस 2 आपके पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बनी 3। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।